बिजनौर से इस वक्त अपडेट मिल रही है जहां पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस के सिपाहियों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस भी बदमाश को पकड़ने के लिए पहुंची थी जहां बदमाशों ने महिलाओं के साथ पुलिस का घेराव किया और कोतवाल के साथ दो सिपाहियों को भी जख्मी कर दिया। आपको बता दें, ये घटना हिमपुर दीपा थाना इलाके के मसीत गांव की है। बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस पर कुछ बदमाशों ने महिलाओं के साथ मिलकर पथराव किया, जिसमें कोतवाल सहित दो सिपाही घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर फिलहाल 17 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी शोएब इस वक्त हमारे साथ है। शोएब, पुलिस पर पथराव हुआ है, क्या कुछ जानकारी? शोएब, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, फिर से जुड़ने का एक बार प्रयास करेंगे। 17 आरोपियों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ शोएब जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। शोएब, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला और फिलहाल क्या स्थिति है? जी अभिषेक जी, मैं बता दूं आपको, ये पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के मसीद गांव का है, जहां पर पुलिस हिस्ट्री शीटर में वारंटी की सूचना पर पहुंची थी। वहां पर दो शातिर अपराधी किस्म के जो है, जिनका नाम वसीम और एक अन्य इनका साथी है, उन्होंने पुलिस को देख करके अपने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के पथराव कर दिया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक व दो कांस्टेबल घायल हो गए। घायल तीनों को सीएससी स्याउ भिजवाया गया। उसके बाद पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जानकारी के लिए।